फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली के सारे अरेंजमेंट्स सब कुछ हो चुका है, सफाई वगैरह एंड ऑल। जो रह गया था वो है रंगोली के लिए और पटाखों के लिए। तो आज हम जाएंगे पटाखा मार्केट, वो तो आप व्लॉग में देखना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे रूम का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अभी बज रहे हैं 3:15 PM। इस घर का जैसे हमने सारा वगैरह काम कर लिया है, डेली रूटीन का भी काम कर लिया है, तो अभी ना डाइनिंग टेबल पे हम ये मैट्स बिछाएंगे। ये मैट्स ये मम्मा लाई थी दिवाली के लिए, और मम्मा क्या क्या लाई हैं आपको मैं दिखाती हूँ, फिर हम ये मैट्स को ना इसमें लगाएंगे। तो गाइस, मेरे रूम के लिए मम्मा लाई थी ये नए कुशंस के कवर। जैसे अगर आपने पुराने व्लॉग देखे हो तो मेरा कुशन कवर दूसरा था, तो ये चेंज हो चुका है। ये रहे मेरे कुशन कवर सारे, रूम में बिल्कुल नया चेंज ले आते हैं। और ये हमने जो पर्दे थे देखो बिल्कुल प्रेस करवा लिए हैं। सौंदर्या क्या कर रहे हो? सौंदर्या तो बात ही नहीं कर रही, क्या कर रहे हो? फिर से वही गेम, ये दिन भर सिली डेविल से खेलती रहती है सौंदर्या। कोई परवाह नहीं दुनिया की, जाओ। गाइस चलो अपने डाइनिंग टेबल को सेट करते हैं, मैट्स को प्लेस करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 4, तो हमारा लंच टाइम हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ आज मम्मा ने हमारे लिए क्या बनाया है। मम्मा क्या बना रहे हो आज? मशरूम मटर और चावल। मशरूम मटर और चावल बने हैं? हाँ, प्लेन राइस बनाई है। अरे मम्मा सैलेड काट रही हैं। तो गाइस सैलेड कट चुका है, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मम्मा ने क्या बनाया? मम्मा मशरूम मटर। हाँ बहुत टेस्टी लग रहा है। तरी वाले बनाए आज, सूखे नहीं? हाँ सूखे नहीं बनाए, तो हम रोटी के साथ खाते हैं, राइस के साथ। सो गाइस आपको ये भी बता दूं, हमने नया पैन और नया बहुत सारे नए बर्तन खरीदे हैं, जैसे कुकर हो गया और बहुत सारे बर्तन धनतेरस में। गाइस मम्मा कहती हैं धनतेरस पे हम सभी को 5 बर्तन ज़रूर लेने चाहिए, इसको धनतेरस पे शगुन माना जाता है। इसमें से 2 ये नॉनस्टिक है, 1 नॉनस्टिक, 1 कुकर लिया। तो हमने 1 नॉनस्टिक लिया है और कुकर लिया है, बाकी 3 अलग, और बाकी 3 हमने अलग से और लिए हैं। गाइस ये प्लेन राइस हो चुके हैं। बटर वाले नहीं बनाए ना? नहीं बनाए ना आज, बटर पनीर था तो मशरूम मटर था तो मैंने सोचा प्लेन राइस, बहुत हैवी हो जाता फिर। गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, तो हम जा रहे हैं पटाखा मार्केट। सो गाइस हम पहुँचने ही वाले हैं, ये देखो रास्ते पे। गाइस हम आ चुके हैं पार्क, ये पार्क की एंट्रेंस है बल्टन पार्क। यहाँ पे पूरा दिवाली सेलिब्रेशन का सामान से लेकर पटाखों की तो इतनी सारा है ना। ये आगे से भी आगे तक जाएगा। सो गाइस अभी मैं मार्केट के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, ये जो आप लाइट है देख रहे हो, ये हर इसके शॉप्स ही शॉप्स, यहाँ पे ये सारी पटाखों की और दिवाली सेलिब्रेशंस की शॉप है। कितनी भीड़ है शॉप्स पे, ये शॉप्स यहाँ तक खत्म तो नहीं होंगी। ये देखिए आ गया, शौप, 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 शौप।
और बाहर सेलिब्रेशंस, बाकी सेलिब्रेशन का सामान, लड़ियाँ लुड़ियाँ अलग से, जो जो लाइटें होती हैं छत पे लाइटें लगती हैं उनका सामान शॉप्स पे बाहर अलग से। सो अभी हम चलते हैं। So guys, ये रही सारी मार्केट। हाँ गाइस, इतनी लाइटें जग चुकी हैं अब। ये सारी जो आप देख रहे हो ना, सारी की सारी पटाखों की दुकान है। कितनी बड़ी आई गेस 1000-2000 तक दुकानें तो होंगी यहाँ पे। गाइस हर ब्रांड के पटाखे आपको मिल जाएंगे इधर। फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या पटाखों और किस चीज़ की शॉपिंग की। तो गाइस ये रहे पटाखे। एंड ऑल शॉपिंग। सेकेंडली गाइस, हमारे घर पे जो छत पे लाइटें लगती हैं वो लग चुकी हैं। जैसे रात को जगा देते हैं ना हम लोग, नाइट व्यू। That's all the vlog. Hope you like the vlog. Don't forget to do like, comment, share and subscribe to my channel. Hope आपको ये vlog अच्छा लगे। Subscribe अभी नहीं तो बाद में भले कर देना, पर कर देना ज़रूर। Bye bye. Have a nice day.